पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनपद मुरादाबाद के मूढ़ा पांडे में मिलक मनकरा के फाटक संख्या 407 के नीचे अंडरपास का निर्माण के लिए औपचारिकता को पूर्ण करने हेतु रेलवे मंडल मुरादाबाद के डीईएन आयुष द्विवेदी स्थलीय निरीक्षण करने पीडब्ल्यूआई अनुज और आईओडब्ल्यू एसपी मिश्रा के साथ पहुंचे। स्थलीय निरीक्षण पर भारी मात्रा में क्षेत्रवासी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अवगत कराया कि क्षेत्र में इस अंडरपास के न होने के चलते बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और कई लोगों की जान भी जोखिम में पड़ जाती है। फाटक बंद होने के कारण क्षेत्र के लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर भाजपा नेता अभिषेक सिंह, जो कि मंडल रेल उपभोक्ता परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी हैं, उन्होंने हाल ही में रेल मंत्री से पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम के साथ मिलकर इस अंडरपास की मांग की थी। रेल मंत्री ने उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र इस अंडरपास के निर्माण करने का आश्वासन भी दिया था। इसी क्रम में आज रेल प्रशासन ने अपने अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भेजा। अधिकारियों ने कहा कि निरीक्षण पूर्ण हो चुका है और वो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही मंडल रेल प्रबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस निरीक्षण से ये तो साफ हो गया कि सरकार की मंशा गरीब किसान के पक्ष में है। वहीं स्थानीय स्तर पर रहने वाले ग्रामीणों से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बखूबी बताया कि इस अंडरपास के निर्माण होने के बाद उनके जीवन में नई गति आएगी, दो जनपदों के दो तहसील की आवाजाही का रास्ता भी आसान हो जाएगा। मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मेरे भाई को, क्योंकि इस रेलवे क्रॉसिंग के कारण मेरे भाई की मौत हो चुकी। किस कैसे हुई थी? वो आ रहे थे काम करने फैक्ट्री में, वो गन्ने के लॉरी से उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसके कारण मैं आ रहा था सुबह 6 बजे लेके, उनकी इस कारण मौत हो चुकी थी। मैं यहाँ पे फंस गया था, जाम में फंस गया। अच्छा, ये जनता के लिए बहुत ज़्यादा समस्या का विषय था कि यहाँ घंटों घंटों बीमार है तो पड़े हैं, बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल की बसें रुक जाती हैं, टाइम पर नहीं पहुँचती। तो ये हमारे भाई हैं नीशू जी, उन्होंने इस बात को रखा कि भाई क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया जाए। तो यहाँ एक अंडरपास के लिए इन्होंने मांग रखी और उसी के प्रस्ताव में आज कुछ आला अधिकारी यह मौके पर पहुँचे हैं और नापतोल की जा रही है। और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि क्षेत्र के लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा यहाँ इस बात से मिलने वाली है। जहाँ हम खड़े हैं ये मूढ़ा पांडे का मिलक मनकरा गाँव है और यहाँ पर फाटक संख्या ये 407 है। 407 फाटक नंबर जो महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र के लिए इसलिए है कि कम से कम इस मुराद सदर तहसील के 70 से 80 गांव और रामपुर जनपद की शाहबाद तहसील के करीब 80 से 100 गांव, जिसमें करीब 5 से 7 लाख जनता निवास करती है। दिन रात वो लोग रहते हैं यहां पर, रात में सोते हैं, किसानी किसान करते हैं, नौजवान परीक्षा की तैयारी करता है और साथ में पुलिस प्रशासन के लिए भी समस्या लॉ एंड ऑर्डर को बनाने को लेकर इस फाटक को लेकर रहती है। आप इधर देख रहे होंगे, आप इधर कैमरे से दिखा सकते हैं, इधर एक फाटक है जो कि अगर बंद हो जाए तो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, नौजवान हैं, उनके इंटरव्यू भी छूटते हैं, कई लोगों की परीक्षाएं छूट गई हैं और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कई लोगों के जीवन भी यहाँ पर खेल बन गए हैं और सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं था। मैं सरकार की अभी हाल ही में माननीय सांसद श्री जफर इस्लाम जी के साथ जाकर मैं पार्लियामेंट में रेल मंत्री से मिला था और मैंने ये जनता से जुड़ी हुई समस्या वहाँ भी रखी थी और उससे पहले बरेली में DRUCC की मीटिंग हुई थी, वहाँ भी मैंने ये समस्या रखी थी और साथ ही में उत्तर प्रदेश शासन के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से इस विषय में व्यक्तिगत रूप से मिला था। क्या मांग की थी आपने? मैंने मांग ये की थी कि ये जो फाटक है इस पर अगर अंडरपास हो जाएगा तो सैकड़ों लोगों की जानें बच सकेंगी, गर्भवती महिलाओं की जान बच सकेगी और प्रतियोगी परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षाओं पर समय से पहुँच सकेंगे और इंटरव्यू देने वाले जो साक्षात्कार देने वाले नौजवान साथी हैं वो रोजगार के लिए समय से। क्या अधिकारी आए हैं, क्या आश्वासन दिया है? यहाँ पर अभी समय बरेली सेक्शन के ADM, IOW और PWI ये तीन अधिकारी हैं जो आए हैं और ऊपर से मेरे पास जो फोन आए हैं बड़ौदा अधिकारी मुरादाबाद के सीनियर DEN मेरे पास आया है और सभी लोगों के समान को लेकर DRM साहब ने मुझे आश्वासन दिया है, साथ ही रेल अधिकारियों ने भी, यहाँ तक कि रेल मंत्री तक का मुझे आश्वासन मुझे मिल चुका है और उन्हीं के आश्वासन के आधार पर ये अधिकारी आज अपनी कार्रवाई करते हुए वो लोग यहाँ पर आए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।